आज दुनिया पैसे के पीछे इतना भाग रही है। अगर एक्चुअल में अगर पैसा इतना महत्वपूर्ण होता, धन दौलत पैसा, तो गौतम बुद्ध और महावीर अपना सारा धन दौलत छोड़कर जंगल में क्यों चले जाते? तो ये बहुत ही विरोधाभास चीज़ है। हालांकि आदमी सब बोलेगा कि सब गौतम बुद्ध और महावीर नहीं बन सकता, ये बात सही है। हमारे अंदर विचार अलग अलग आते रहते हैं, और देखिए विचारों का सम्मान करना चाहिए। हर विचार ऐसा, कभी अच्छे विचार भी आते हैं, अगर बुरे विचार भी आते हैं, तो हमें सारे विचारों को लेकर नहीं आना चाहिए। जो विचार आते हैं आने दीजिए, लेकिन वो अगर अच्छे नहीं हैं तो उसको कट एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन विचारों को आने से हम नहीं रोक सकते, और अच्छे विचार बुरे कुछ नहीं होते। इस अगर समय के अनुसार लगता है कि बहुत सारे अच्छे चीज़ हैं, लेकिन बाद में लगता है कि ये सही नहीं है, तो इसे हमें फीलिंग महसूस केवल करना है। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो ये ठीक है, बुराइयां हैं, आती है, लेकिन उसको हम ले के नहीं चल सकते। हमेशा उसको हमेशा आने से रोकना चाहिए। अगर रोकने वाला भी हम नहीं हैं, हम रोक नहीं सकते, क्योंकि विचार आते जाते रहेंगे, इसे हम रोक नहीं सकते। हमें केवल एक देखते रहना है, एक दर्शक की तरह देखना है कि ये विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम फिल्म वगैरह देखते हैं, अगर मूवी देखते हैं, तो हमें अचानक लगता है कि अरे ये बहुत गलत हो रहा है। हम ये नहीं लगता कि ये एक्टिंग कर रहा है, हमें लगता है कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया है। लगता है कि मैंने वो सबसे बड़ा ये बहुत ही गलत आदमी है ये। अगर हमें उस समय नहीं, ये महसूस नहीं होता कि ये एक्टिंग कर रहा है, उसी नज़र से उसको देखते हैं। तो इसी तरह विचार हमेशा आते जाते रहते हैं, और हमें ये देखते हैं कि हम खुद ये एक्टिंग कर रहे हैं, हम लाइफ भी हमारा एक एक्टिंग है, और इसे हम महसूस करना चाहिए। ओके।